कैबिनेट में कुल 13 मद आए, सबसे पहला मत था उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग नियमावली के संशोधन के बारे। इसमें जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति 5 साल के लिए और रिटायरमेंट जो है 65 ईयर्स पे होती है, उसमें संशोधन करके 6 साल और 66 ईयर्स तक एक एक साल बढ़ाया है दोनों। नवीन चक्राता टाउनशिप जो कि पुरोड़ी नाका लगवाड़ से यमुना नदी तक ये क्षेत्र है, ये इसमें करीब 40 गांव आते हैं, तो इसका एक जो प्राधिकरण है उसका एक्सटेंशन करते हुए एक नया प्राधिकरण, एक नया टाउनशिप बनाने का इसमें योजना करीब 40 गांव है, कुछ पूरे हैं कुछ आधे हैं, तो इस तरह से 5 गांव है। ये पुरोड़ी नाथा लखवाड़ से यमुना नदी, जैसा कि आप अवगत है कि उत्तराखंड संग्रह राजस्व निरीक्षक और संग्रह नायक तहसीलदार के सापेक्ष में उनका कैडर बनाया गया था, उसके सापेक्ष में 2019 में एक नियमावली बनाई गई थी। उस नियमावली में इनको पदोन्नति के अवसर दिए गए थे, परंतु संग्रह कैडर का अगर हम उत्तराखंड गठन के पश्चात अगर कर्तरी प्लांस ले तो 2000 से लेकर 2009 तक इनके कैडर को 6% का कोटा था, 2009 से लेकर 2019 तक ये कोटा एबोलिश कर दिया गया और बाद में 2019 में फिर से इसको रिस्टोर किया गया। तो 2009 से लेकर 2019 के बीच में जहाँ पे पदोन्नति के अवसर नहीं थे वहाँ पे कुछ जगह ACP दी गई, जहाँ पे पदोन्नति के अवसर के संदर्भ में वित्त विभाग द्वारा 2 GO दिए गए, तो इस कारण इस कार्यकाल में सेवा लाभ 1 ही तारीख को प्राप्त किए गए संग्रामीणों के वेतन के बारे में कुछ विसंगतियाँ तैयार हो गई थी। इस विसंगति को दूर करने के लिए हमने इस जो नियमावली 2019 की है उसमें अमेंडमेंट किया गया है ताकि इनके वेतन विसंगति में जो है वो दूर हो जाए करके, और कुछ मित्र लोग रिटायर्ड भी हो गए थे उनके पेंशन वगैरह भी डूब गए थे, तो इनको दूर करने के लिए आज नियमावली में हमने जो 6% का कोटा है अंतिम अवसर देते हुए अमेंड किए। इसमें हम लोगों ने उत्तराखंड नियमावली में कुछ संशोधन किए 3-4 पॉइंट के, बाकी जो पिछले 5-6 सालों में जो हमने पॉलिसी निकाली थी जो और बीच बीच में GO ऑर्डर किए गए तो उनको सबको हमने मिला के एक कंबाइंड नियमावली में डाल दिया है, जिससे कि आगे कन्फ्यूजन नहीं हो। इसमें हमने आवेदन शुल्क चेंज किया है, पहले नदी तल हेतु 1 लाख रुपये का शुल्क था, अब हमने प्लेन के एरिया में 2 लाख रुपये कर दिया, पहाड़ में 1 लाख रुपये रहेगा एवरेज, और गौण खनिज नीति में जो बाकी प्रावधान थे उसको हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया निमौली के अंदर। इसके बाद जो है जो उत्तराखंड बालू बजरी बोल्डर चुगान नीति 2016 थी उसको भी हमने उसके प्रोजेक्ट को भी इनकॉर्पोरेट कर लिया है, जिसमें घन पट्टा अगर दिया जाएगा तो कौन जांच करेगा कौन कमेटी में होगा, सेम है वो इसके अंदर हमने निमौली के अंदर डाल दिया है इसको। इसके बाद जो है खनन पट्टे जो पहले 5 साल के लिए मिलते थे लेकिन अप टू 10 ईयर का रखा गया था, लेकिन वो हमने उसको सिस्टमेटिक करके 5 हेक्टेयर तक का 5 वर्ष के लिए कर दिया है, और 5 हेक्टेयर से ज़्यादा होगा तो 10 साल तक उसको एक बार में दिया जा सकता है। इसके अलावा जो इन सीटू खदान होती है जैसे सोप स्टोन है या लाइम स्टोन और जो हमारे मेजर मिनरल्स हैं उनकी खदानों के लिए 25 साल के लिए किया गया कि एक बार में 25 साल में दिया जाएगा। इसके अलावा LOI जो पहले आशय पत्र दिया जाता था शासन स्तर से उसको हमने नीचे की तरफ दे दिया है, और DG पूरे प्रदेश का पूरा ऑब्जर्व करते हुए सारी चीज़ देखते हुए LOI नीचे के स्तर से DG के स्तर से जारी होगा, उसके बाद स्वीकृति गवर्नमेंट लेवल से होगी। इसके अलावा ट्रांसफर में पहले गवर्नमेंट ट्रांसफर करती थी लेकिन कोई चार्जेस नहीं होते थे, अब ट्रांसफर करेंगे अगर पट्टा या नाम जोड़ेंगे घटाएंगे तो उसमें चार्ज कर दिया गया है, 5 हेक्टेयर तक 2 लाख रुपये, 5 हेक्टेयर से अधिक 5 लाख रुपये, अगर फर्म का कोई मामला है फर्म में अगर आप पार्टनर बढ़ाते घटाते हैं तो 2 लाख रुपये देने पड़ेंगे। इसके अलावा हमने जो ई ऑक्शन होता था उसके प्रोसेस में कुछ पूरा सिस्टम उसके अंदर डेवलप किया, उसको निमौली में मेंशन किया है कि अगर कोई हम पट्टा बिड आउट करते हैं तो उसमें ई ऑक्शन में कई बार क्या होता था कि लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट बोल देते थे, उसके बाद वो काम नहीं कर पाते थे, और वो बाद में फिर शिकायत करते थे हम काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारा एरिया घटा दीजिए या रॉयल्टी इंस्टॉलमेंट में कर दीजिए, तमाम इशू आते थे। तो उसमें हमने ये कर दिया है कि जो भी H1 आएगा जो हाईएस्ट बिडर होगा उसको 15 दिन के अंदर 25% पैसा जमा करना पड़ेगा जो बोली बोलेगा, अगर नहीं जमा करता है तो उसका जो अर्नेस्ट मनी है जो बाकी डिपॉजिट है वो जब्त हो जाएगा,
और नेक्स्ट को मौका मिलेगा सेम रेट पे लेने का, अगर वो लेता है तो ठीक है, नहीं तो थर्ड को मौका मिलेगा, अगर नहीं लेते हैं सेकंड और थर्ड उनका कोई जब्ती नहीं होगा, लेकिन फिर रिबिड किया जाएगा उसके बाद। तो ये प्रोसेस हम एक महीने के अंदर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बिड आउट तो कर दे रहे हैं लेकिन एक साल दो साल तक हम चला नहीं पा रहे हैं, तो सरकार को राजस्व की उसमें हानि हो रही थी। इसके अलावा जो इलीगल माइनिंग के लिए पहले 5 गुना पेनल्टी का प्राविधान था, उसको थोड़ा कम किया गया, क्योंकि 5 गुना पेनल्टी में अभी तक ये देखा गया पिछले 4-5 साल में कि वो रिकवरी नहीं हो पाती है, वो किसी न किसी कोर्ट में जाता मामला और बहुत सारी पेंडेंसी रहती। उसमें माननीय कैबिनेट ने ये डिसाइड किया कि पहली बार जो इस तरह की पेनल्टी होगी वो उसमें 2 गुना रॉयल्टी का 2 गुना वसूल किया जाएगा, और दोबारा गलती करेंगे उसके बाद तो 3 गुना उसमें वसूला जा सकता है। तो ये चेंज किया गया है। इसके अलावा हम लोगों ने ये देखा था कि इलीगल माइनिंग के लिए या इस तरह के इंस्पेक्शन के लिए पहले DM खान अधिकारी और SDM ही सिर्फ ऑथराइज थे, वो लोग रिपोर्ट बनाते थे उसके आधार पर केस और बाकी चीज़ें होती थी। इसमें हमने एक प्रोविजन ऐड किया है कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार अगर 1 हफ्ते की ट्रेनिंग जो डायरेक्टरेट माइनिंग के द्वारा कराई जाएगी, अगर वो 1 हफ्ते का ट्रेनिंग करके सर्टिफिकेट लेते हैं तो वो भी जांच कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट अप्रोप्रिएट लेवल के माध्यम पर पुटअप करके बाकी कार्रवाई की जा सकती, तो वो इलीगल नहीं माना जाएगा। पहले क्या होता था कि पटवारी या नायब तहसीलदार या तहसीलदार कोई रिपोर्ट देते थे, उस पर अगर कोई एक्शन होता था तो वो कोर्ट उसको इनवैलिड मानती थी और हमेशा टर्न डाउन लेता था। तो इसलिए हमने ये 2 लोगों को और, क्योंकि तहसीलदार और नायब तहसीलदार सफिशेंटली सीनियर अधिकारी होते हैं, तो इनको भी हमने इसके अंदर डाला।